गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल स्टडी एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन 2 व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फॉर दिस वी विल डिवाइड द गिवन परसेंटेज बाय 100। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 में आपको परसेंटेज दिया हुआ है और हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग परसेंटेज को डिवाइड करेंगे 100 से। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू ए पार्ट। क्वेश्चन इज 40%। स्टूडेंट्स, 40% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग 40% को डिवाइड करेंगे 100 से। तो स्टूडेंट्स, 40 डिवाइडेड बाय 100। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर आपको 40 दिया है और डिनोमिनेटर आपको 100 दिया है, तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से, यानी कि हम लोग 40 एंड 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 10 की टेबल में 40 भी आता है और 10 की टेबल में 100 भी आता है। तो स्टूडेंट्स, 10 × 4 = 40, 10 × 10 = 100। 40 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4, 100 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन वी विल डिवाइड 4 एंड 10 बाय 2। हम लोग 4 एंड 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 10 भी आता है। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। स्टूडेंट्स, 2/5, दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू बी पार्ट। क्वेश्चन इज 35%। नाउ स्टूडेंट्स, हमें 35% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग 35% को डिवाइड करेंगे 100 से। तो स्टूडेंट्स, 35 डिवाइडेड बाय 100। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग 35 एंड 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 की टेबल में 35 भी आता है और 5 की टेबल में 100 भी आता है। तो स्टूडेंट्स, 5 × 7 = 35, 5 × 20 = 100। 35 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 7, 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 20। नाउ स्टूडेंट्स, 7/20, दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू सी पार्ट। क्वेश्चन इज 24%। स्टूडेंट्स, 24% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग 24% को डिवाइड करेंगे 100 से। तो स्टूडेंट्स, 24 डिवाइडेड बाय 100। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग 24 एंड 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 की टेबल में 24 भी आता है, 4 की टेबल में 100 भी आता है। तो स्टूडेंट्स, 4 × 6 = 24, 4 × 25 = 100। स्टूडेंट्स, 24 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6, 100 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 25। नाउ स्टूडेंट्स, 6/25, दिस इज योर आंसर। कम टू डी पार्ट। क्वेश्चन इज 72%। स्टूडेंट्स, हमें 72% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग 72% को डिवाइड करेंगे 100 से। तो स्टूडेंट्स, 72 डिवाइडेड बाय 100। नाउ स्टूडेंट्स, 72 एंड 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में 72 भी आता है, 2 की टेबल में 100 भी आता है। तो स्टूडेंट्स, 72 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 36, 100 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 50।
सो इट इज 36/50। अगेन स्टूडेंट्स, हम लोग 36 एंड 50 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में 36 भी आता है, 2 की टेबल में 50 भी आता है। तो 36 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 18, 50 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 25। नाउ स्टूडेंट्स, 18/25, दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू ई पार्ट। क्वेश्चन इज 25%। स्टूडेंट्स, 25% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग 25% को डिवाइड करेंगे 100 से। तो स्टूडेंट्स, 25/100। नाउ स्टूडेंट्स, 25 एंड 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 की टेबल में 25 भी आता है, 5 की टेबल में 100 भी आता है। तो स्टूडेंट्स, 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 100। 25 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5, 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 20। नाउ स्टूडेंट्स, 5/20, अगेन हम लोग 5 एंड 20 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 × 5, 5 × 20। नाउ स्टूडेंट्स, 1/4, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, कम टू एफ पार्ट। क्वेश्चन इज 64%। स्टूडेंट्स, 64% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग 64% को डिवाइड करेंगे 100 से। तो स्टूडेंट्स, 64/100। नाउ स्टूडेंट्स, 64/100 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में 64 भी आता है, 2 की टेबल में 100 भी आता है। तो स्टूडेंट्स, 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 32, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 50। सो 32/50, अगेन हम लोग 32 एंड 50 को डिवाइड करेंगे 2 से। 32 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 16, 50 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 25। नाउ स्टूडेंट्स, 16/25, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, नोट डाउन योर होमवर्क, जी एंड एच पार्ट, दिस इज योर होमवर्क। You have to do it in your prayer copy and show me tomorrow.